bright duty. Every student matters. हेलो बच्चों, मेरा नाम कुमार अनुराग है। आप मेरे साथ कक्षा 10 का भूगोल विषय पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम भूगोल विषय में अध्याय 4 यानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कृषि का नाम आते ही हमें तुरंत ही जहन में खेत खलिहानों का जो चित्र है वो नज़र आने लगता है। हम कृषि से हमेशा ये समझते हैं कि कृषि का मतलब फसलें लगाना, खेती करना, फसलों को काटना, उससे अनाज उत्पादन करना या अन्य दूसरी चीज़ों का उत्पादन करना आदि। लेकिन आज हम जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कृषि का वास्तविक अर्थ क्या है, असली में सही मतलब क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कई अन्य पहलू जो कृषि से जुड़े हुए हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, यानी इस अध्याय के जो प्रमुख बिंदु हैं। उसमें सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। उसके बाद हम कृषि क्या है ये जानने के बाद कृषि के प्रकार को जानेंगे। सस्य प्रारूप यानी जो फसलों का प्रारूप है, किस तरीके से, किस किस ऋतु में फसलें कौन कौन सी लगाई जाती हैं, उनका क्या प्रारूप है, उसकी बात करेंगे। मुख्य फसलों का वितरण देखेंगे इसके बाद, जिनमें हम रबी, खरीफ और जायद ये तीन नाम आएंगे आगे, उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, खाद्य फसलें, अखाद्य फसलें, ऐसे फसलों की बात करेंगे। और फिर उनमें जो प्रमुख फसलें हैं, भारत में किन राज्यों में ये फसलें सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती हैं, कहाँ पर इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, कई सारी चीज़ें इस विषय में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, खेती करने वाले किसान जिनको अपने इस कार्य में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर किस किस तरीके से उपाय किए जाने चाहिए, साथ के साथ तकनीकी स्तर पर या प्रौद्योगिकी के स्तर पर क्या सुधार किए जाने चाहिए, इसके विषय में भी हमें जानने का प्रयास करना होगा। और इसको हम करेंगे भारत में कृषि के अंतर्गत प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों के टॉपिक में। इसके अलावा हम कृषि का महत्व भी या कृषि का योगदान जो है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। यह योगदान हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन के क्षेत्र में कृषि का योगदान है। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक हैं, ये मैंने आपको प्रमुख बिंदु के अंतर्गत बताए, जिसको यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, इस अध्याय का जो नाम है कृषि, तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि कृषि है क्या। कृषि एक तरह की आर्थिक क्रिया है। देखिए, आर्थिक क्रिया ऐसी क्रियाओं को कहते हैं जिन्हें करने के बाद हम धनोपार्जन कर पाते हैं, अपना जीवन यापन कर पाते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कृषि भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं को जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पर कई प्रकारों में बांटा गया है, और उसमें जो सबसे पहले प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिनका संबंध सीधे तौर पर प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से होता है। इसके अंतर्गत हम कृषि, उसके अलावा वनों से विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे कि फलों
औषधियों आदि का संग्रहण और साथ के साथ खनन जैसी क्रिया को सम्मिलित करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको यह ध्यान रहे कि जब हम कृषि को एक आर्थिक क्रिया के रूप में पढ़ते हैं तो कृषि कौन सी आर्थिक क्रिया होगी बच्चों? कृषि होगी एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति में उपस्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिना मिट्टी की उपलब्धता के, और वो भी कैसी मिट्टी? उर्वर मिट्टी। तो बिना उर्वर मिट्टी की उपलब्धता के हम कृषि के बारे में सोच भी नहीं पाते। और इसलिए चूंकि कृषि जैसी आर्थिक क्रिया का संबंध प्रकृति के साथ सीधे तौर पर है, हम कृषि को प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहेंगे। ये आप याद रखें, कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। अब जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि वैसी आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध कृषि से है, उन आर्थिक क्रियाओं में सिर्फ खेती करना या फसलों को उगाना ही नहीं है, बल्कि फसलों के उगाने के साथ साथ हम इसमें कई अन्य क्रियाओं को भी शामिल करते हैं। विशेष तौर से आप याद रखें कि कृषि में खेती करने के साथ साथ, फसलों की खेती करने के साथ साथ हम पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, ये अलग अलग तरीके की जो क्रियाएं हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं। तो जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, कृषि से तात्पर्य ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें फसलों की खेती, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन आदि जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब यहाँ चूंकि मैंने आदि लिखा है, इसलिए आप कहेंगे क्या और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम कृषि कार्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं? बच्चों बिल्कुल, ये कई सारी क्रियाएं और भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फूलों के बागान लगा रहे हैं तो वो भी कृषि कार्य के अंतर्गत ही आएगा। अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो वो भी कृषि कार्य के अंतर्गत ही किया जाने वाला एक कार्य है या एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसको हम कृषि कार्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन, इसको भी हम कृषि कार्य के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। तो जैसा कि हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, इन चार आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ हम अन्य जो मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, रेशम के कीड़ों का पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों के बागान आदि का लगाया जाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं उनको हम कृषि कार्य के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। हालांकि फसलों की खेती को प्रमुखता दी जाती है, और इसके अलावा जितने अन्य क्रियाएं मैंने आपको बताई, जो सामने भी कुछ लिखी हुई हैं और कुछ मैंने अलग से बताई आपको, इनको हम कृषि के सहयोगी क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका संबंध फसलों से, पेड़ों से, है ना, इन सारी चीज़ों से रहता है।